लाजवाब घाटी बनाने के लिए हमने लिए हैं जो कम से कम 8 से 7 प्याज लिए मैंने, और मिर्ची ली है, और लहसुन और अदरक ली है, और उसमें मसाला बनाने के लिए हमने ले लिया 2 चम्मच सौंफ, कलौंजी, मेथी, अजवाइन और जीरा। इसको हम अच्छे से तवे पर भून लेंगे। तवे पर भूनने के लिए इसको हम तवे को तेज करके एकदम से फिर उसको सिम कर देंगे, और उसके ऊपर हम डाल देंगे ये मसाला जो हमने रखा है। उस मसाले को हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। ये तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें ये चटकने लग गया है और इसमें से खुशबू आना चालू हो गया है, तब तक हम उसको धीमा कर देते हैं, और तब तक हम इसको क्रश कर लेते हैं। लहसुन, प्याज, अदरक और मिर्च को हम चॉपर से चॉप कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको चॉप कर लेते हैं, और चॉप करके हम एक साइड में इसको रख लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सर में इसको 1-2-3 बार करके, 2-3 बार ही आप इसको चलाकर धीमे से बंद कर दें, फिर चलाएं, फिर बंद कर दें, फिर चलाएं, फिर बंद कर, इस तरीके से भी आप इसको पीस सकती हैं, या फिर चॉपर में भी आप चॉप कर सकती हैं। ये मसाला देखिए हमारा भूनकर तैयार हो गया है, और हमारा ये प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च का भी पेस्ट जो काट के हमने रखा था वो भी तैयार हो गया। अब हम एक परात लेते हैं। परात में हमने लिए हैं करीब 2 से 3 कप, आप अपने आवश्यकता अनुसार आप सत्तू ले लीजिएगा। ये बेसन का सत्तू होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप जाकर ला सकते हैं, और मैंने भी ये मार्केट से ही मंगाया है। मैंने 3 चम्मच करीब, अरे सॉरी 3 कप मैंने ले लिया है इसमें सत्तू, और अब उसके अंदर ये जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च का जो काट कर चॉप करके रखे थे हमने, उसको इसमें हम डाल देंगे, और इसको सारा डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चमचे से देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, इससे जो है प्याज और ये सब सत्तू में अच्छे से मिल जाएगा। और अब हमारा जो भुना हुआ हमने रखा था अजवाइन, जीरा, मंगरेल और मेथी और सौंफ, उसको जो हम लेंगे हाथ में और क्रश करके इसको अच्छे से हाथ की हथेली में दोनों रब करके अच्छे से डाल देंगे इसमें। रब करके डालने से क्या होता है ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और ये थोड़ा सा टूट सा जाता है, एकदम खड़ा खड़ा नहीं रहता है, थोड़ा सा पिस सा जाता है, तो उससे उसका स्वाद भी अच्छा आता है, और ये बढ़िया खुशबू भी देता है। और इस तरीके से मैंने सारा जितना भून कर रखा था मसाला वो मैंने इसमें डाल देना, और डालने के बाद अब हम इसको चला देंगे अच्छे से, खूब बढ़िया से। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे करीब 1/2 कप, जिस कप से हमने लिया था 1/2 कप से थोड़ा कम ही हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे, और स्वादानुसार हम इसमें डाल देंगे नमक, और इसको अच्छे से इसको मिला देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नींबू। मैंने करीब 3 से 4 नींबू डाले हैं इसमें, मेरे नींबू काफ़ी छोटे छोटे थे, तो मैंने 3 से 4 नींबू डाल दिए हैं। उसका जूस निकाल के अच्छे से इसमें हम डाल देंगे, और इसके बाद हम इसको अच्छे से अपने दोनों हथेलियों से लेकर रब कर 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 इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसे कि सारा मसाला, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च, और इसके साथ ही मस्टर्ड और आपका नींबू, ये सब इतना अच्छे से इसमें मिल जाए। इसको इस तरीके से रगड़ रगड़ कर हमको आपस में मिलाना है। कुछ देर रगड़ने के बाद जो प्याज होगा वो भी पानी छोड़ने लगेगा, और वो थोड़ा सा गीला सा हो जाएगा। अब इसको हमने रगड़ लिया, देखिए इस तरीके से ये बनके तैयार हो जाएगा, और इसको अब हम अलग एक बाउल में या कहीं भी एक साइड में इसको रख देंगे। ये स्टफिंग बनके तैयार है हमारी बाटी की, बाटी में भरने वाली स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम बाटी का आटा लगा लेंगे। अब बाटी का आटा लगाने के लिए मैंने 3 कप जो है आटा लिया है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार लीजिएगा जितना आपको लेना। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, हल्का नमक, क्योंकि इसकी फिलिंग में भी नमक होगा और इसमें आटे में भी होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच भर के घी डाल दिया है, और इसको आपस में मिला दिया है, नमक और घी जैसे मिल जाए इसको थोड़ी देर आपस में रब करके मिला लिया है मैंने। अब हमने इसमें ले लिया है पानी, पानी एकदम सामान्य टेम्परेचर का होना चाहिए, कोई नहीं कि आप गर्म ले ठंडा ले, नहीं, जो पानी आपके पास है उसी से आप इसका एक सेमी हार्ड डो बनाकर तैयार कर लीजिए। सेमी हार्ड डो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इसको बहुत गीला कर देंगे तब भी आपकी जो बाटी है ना वो फूलेगी नहीं, और अगर बहुत हार्ड कर देंगे तो अच्छे से पकेगी नहीं, इसलिए सेमी हार्ड डो बनाकर तैयार कर लीजिए। और उसकी जो है लोइयाँ काट कर रख लीजिए, और लोइयों को इस तरीके से चिपटा कर लीजिए हाथ में। जब तक हम लोई इधर रखे हैं और तब तक हम पानी गर्म करने के लिए रख लेते हैं। एक भारी तली का भगोना ले लिया है बड़ा, और उसमें इस तरीके की जाली रख दी है मैंने, और उसको ढक्कन लगाकर बॉईल होने रख दिया है। तब तक हम इसको बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हमने इस तरीके से गोली ली और उसको चिपटा कर लिया है, और उसमें हमने डाल दिया है, फिलिंग को भर दिया है, उस तरीके से दबा कर और चारों तरफ से इसके कोने उठाते हुए हमने इसको बंद कर दिया है, जैसे कि इसमें क्रैक्स ना आए। अगर इसमें क्रैक्स आ जाएंगे तो अच्छे से पकने नहीं पाएगी, इसलिए इसको कोशिश करिए कि एक भी क्रैक्स इसमें ना आए। इस तरीके से मैंने भरकर सारी बाटियाँ तैयार कर ली हैं इस तरीके से,
और इस तरह हमने तैयार करके रख लिया है। और अब हम चलते हैं भगोने की तरफ, जिसमें हमने रखा है पानी बॉईल होने के लिए। अब ये देखिए पानी इसका बॉईल हो गया है और अब हम इसमें इन बाटियों को डाल देने के लिए तैयारी करेंगे। अब इसके लिए हमने क्या किया, बाटियों को डालने से पहले हमने इसमें थोड़ा सा करीब एक चम्मच जो है हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया आधा चम्मच। इससे क्या होगा ना कि आपकी बाटियाँ उसमें बॉयल हो जाएंगी और वो चिपकेंगी नहीं आपस में और अच्छे से चारों तरफ से बॉयल हो जाएंगी। इस तरीके से मैंने सारी बाटियों को एक एक करके जाली के आसपास करके चारों तरफ डाल दिया है। इस तरीके डालने के बाद और अब हमने इस पर लगा दिया है ढक्कन और इसे करीब 10 से 15 मिनट तक हम इसको बॉयल होने दें। जैसे जब ये पक जाएगी तो अपने आप ही सारी बाटियाँ ऊपर आ जाएंगी, जो नीचे बैठी हुई थी ना वो सब ऊपर तैरने लग जाएंगी। तब आप समझ जाइए कि अब आपकी बाटी तैयार हो गई है, पक गई है। अब हम इसको किसी बड़े छन्ने से निकाल कर किसी छेद वाले बर्तन में रख लेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा और तब तक जो है हम तेल गरम कर लेते हैं जब तक ये ठंडा हो रहा है। हमने अभी कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और इनको जो है जितनी बाटियाँ हैं सबको हम जितना इसमें तेल में आ जाए उसमें डूबने तक आ जाए उतना तेल डालकर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और फ्राई करने के बाद ये देखिए बाटी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप बनाइए और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे अर्चना क्विक रेसिपी पर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी।